नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, जिसमें अर्थशास्त्र है और ये वर्कशीट नंबर 31 है, जो कि 21 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो उपविषय संसाधन के रूप में लोग, यानी ये पार्ट हम थर्ड करेंगे, जो कि बेहद ही आसान है। चलिए, तो बेरोजगारी क्या किसे कहते हैं? तो उस समय विद्वान कही जाने वाली, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, यानी कि जब काम करने वाले लोग जो उन्हें रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो और वो बेरोजगार है, तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में काफ़ी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रछन्न बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रछन्न, यानी मौसम के अनुसार जैसे बेरोजगारी छा जाती है, ठीक है। नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि जैसे किसी गांव में जब अगर जो है ना धान की खेती वगैरह होता है, तो उस समय जो है ना लोगों को रोजगार मिल जाता है, नहीं होता तो रोजगार नहीं होता है। कृषि का काम होता है तो रोजगार होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। प्रछन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास पर भूखंड होता है। प्रछन्न बेरोजगारी, जिसके पास भूखंड होता है, यानी भूमि का टुकड़ा होता है जिस पर वो कृषि करते, उन्हें काम कर मिलता है। ऐसे प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनकम में से 3 लोग अतिरिक्त होते हैं, और अगर इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोग की काम की आवश्यकता है और 3 लोग एक्स्ट्रा लोग उसमें काम कर रहे थे, इसे हम प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, बेरोजगारी के जो है ना बेसिकली 3 है, मौसमी बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी और नगरीय बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त करते हैं, नहीं करते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रछन्न, 5 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्तियों कर रहे हैं, उसे प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि 5 लोग मिलकर के ही काम कर सकते हैं, 8 लोगों की ज़रूरत नहीं है। नगरीय बेरोजगारी, डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, शहरी क्षेत्र में मामले में शिक्षित रोजगार बेरोजगारी सामान्य परिघटना बन गई है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी की अधिक तेजी से बढ़ी है, ठीक है। बेरोजगार सबसे ज़्यादा हुआ है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है और युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, क्योंकि सारे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं अगर रोजगार नहीं मिलता है। यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है, यानी कि आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है, और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता भी बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर वो बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, और बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, यानी बेरोजगारी में वृद्धि मंदी सबसे बड़ा सूचक है। यदि यहाँ संसाधन की बर्बादी भी करता है और जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है, अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सके तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करने होंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से 5 प्रश्न हैं, इस सभी का एक एक करके हम आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है तथा वह काम करना चाहता है, फिर भी उसे अगर कोई काम नहीं मिलता तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, प्रछन्न और मौसमी बेरोजगारी से क्या अंतर है? तब प्रछन्न बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करते हैं तो प्रतीत होता है, परंतु अपनी योग्यता से कम प्राप्त कर रहे होते हैं। फिर आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को उस कृषि में सामान्य बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, बेरोजगारी के कारण होने वाले अहितकर प्रभाव बताइए। तो मानव संसाधन की बर्बादी, गरीबी बढ़ता जा रहा है, देश में का विकास जो है नेगेटिव जा रहा, कम हो रहा है, और जीवन की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। शिक्षित बेरोजगारी से भारत के लिए अनेक समस्या, कैसे शिक्षित बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या जा रही है, हम अपने आप मानव संसाधन का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे, इसमें से युवाओं में हताशा उत्पन्न होती है और देश की विकास दर धीमी होती है, इससे देश की आर्थिक बोझ भी बढ़ती जाती है।
इसके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डियर स्टूडेंट आपके विचार से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित हो सकते हैं? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारत में प्राथमिक क्षेत्र की जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन हो आते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की अधिकतर जनसंख्या नियोजित है। प्राथमिक क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी विद्यमान हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये जो है ना प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना डी स्टूडेंट हमारे विचार से सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब रोजगार सृजित किया जा सकता है किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें डी स्टूडेंट, क्योंकि इस चैनल पे एक से दो दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।